बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। इस कड़ी में आज प्रदेश भर में बिजली विभाग के दफ्तरों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और पिछले 4 महीने के बिल माफ करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में अधिशासी अभियंता स्तर के सभी दफ्तरों पर बीजेपी ने हल्ला बोला। इसमें प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के साथ ही विधायक, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी और सांसद शामिल हुए। सरकार के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की कड़ी में तीसरा दिन विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के नाम रहा। कोरोना काल में बिजली के बिलों की मार से परेशान लोगों की पैर भी करते हुए बीजेपी ने बिजली विभाग के दफ्तरों पर प्रदर्शन किया और पिछले 4 महीने के बिल माफ करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में खुद सतीश पुनिया भी अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर के मानपुरा माचेड़ी स्थित बिजली विभाग के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे। जन घोषणा पत्र बनाया, उसमें तो ये बात लिखी थी, उसमें ये भी लिखा कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली में आत्मनिर्भर बना देंगे। अब आपका कर्जा माफ हो गया हो तो बता देना, किसी का हुआ है क्या किसी का? और बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर बन गया हो तो भी बता देना कि कोई तकलीफ ही नहीं हो रही बिजली की, हमारे तो बिल्कुल अमन चैन है, राम राज है। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग के कायदों का ध्यान रखा गया, लेकिन ज्यादातर जगह इसकी अवहेलना भी दिखाई दी। जयपुर में अलग अलग जगहों पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह, विधायक कालीचरण सराफ, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक, बीजेपी मीडिया सेल के आनंद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और अन्य जन प्रतिनिधियों की अगुवाई में आंदोलन हुए। हर मंडल स्तर पर ज्यादा से ज्यादा 50 कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर आज हमने पूरे सभी मंडलों में इस प्रकार का धरना दिया है। ये पिछले 1.5-2 वर्षों से राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की अकर्मण्य सरकार चल रही है। पूरे राजस्थान प्रदेश में कहीं सरकार नजर नहीं आ रही, विकास के काम ठप पड़े हैं। जो उन्होंने